राजेंद्र, ओ राजे, उठ मेरा भाई। हाथ मुंह धो ले, खाना मैंने बना दिया है, सही आधे घंटे के बाद खाना खा लेना, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा डॉक्टर के पास। चल ख्याल रखी। तो आखिर इसमें क्या ढूंढता रहता है जो सारा दिन? कभी और कुछ भी पढ़ लिया कर, इसके तो आखिर के पन्ने भी गायब है। अरे इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ ताकि अपने राजा रानी का पता लगा सकूं। मेरा सही है बेटा, तू लगा पता अपने राजा रानी का, मैं चलता हूँ, नहीं बॉस मेरा था पता होने जाती है। ओ कमले, हाँ? बैग तो ले जा। चल ठीक है, ध्यान रखना। रजे और जिंदर, उठ मेरे भाई, ये ले सेब खा ले। हाँ जी, फिर मिले आपके ही राजा? नहीं, राजा रानी। ओए हाँ यार, राजा रानी। वैसे यार मैंने बहुत कोशिश की मार्केट में इसको ढूंढने की, मुझे लगता है काफी पुरानी बुक है। या सच, एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि आखिर में मिलते हैं कि नहीं? मरने से पहले पहले पता कर ही लूंगा। चल छोड़ यार, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। छोड़ यार, क्या करेंगे डॉक्टर के पास जाकर, वैसे भी 2-4 दिन बचे हैं मेरे जीने के। तू ऐसी बातें क्यों करता है, वाहेगुरु मेहर करो। काश वाहेगुरु जी की मेहर मेरे बीमारी लगने से पहले हो जाती, पर तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं, ये मौत होती है ना जो बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। नहीं मिलेंगे। क्यों, तुझे पता चल गया है? नहीं पता तो नहीं चला, लेकिन आखिर में मेरी जिंदगी इन सवालों के जवाब जरूर देगी। सेंटी हो गया ना, चल हंस के दिखा। Thank you.
हेलो 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 रजिंदर हेलो हेलो आप रजिंदर बात कर रहे हैं ना? जी रजिंदर बात कर रहा हूँ, कहिए किससे बात करनी है आपने? जी आपसे। मुझसे? कहिए क्या बात करनी है? कुछ नहीं। क्या बड़ी अजीब है यार। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आप है कौन और आपने किससे बात करनी है? अरे बताया तो सही, रजिंदर से बात करनी है। अरे मैं ही हूँ रजिंदर, कहिए क्या बात करनी है? मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता, आप ही बोलिए। क्या? अरे फोन आपने किया है, आप जानो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बोलो ना कुछ, जो आप बताना चाहो। मैं क्या बताऊं, मैं तो जिंदगी के कुछ आखिरी दिन काट रहा हूँ। आखिरी दिन? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे कैंसर है। कैंसर? जी हाँ, लास्ट स्टेज। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी क्यों? नहीं, जो बुरा लग रहा है सुनकर। अच्छा ये हुआ कैसे? कैसे हुआ, अब मैं क्या बताऊं कैसे हुआ, जो होना था हो गया। छोड़ो ये बेकार की बात, आप अपने बारे में बताइए ना कुछ। मेरे बारे में कुछ खास तो नहीं है, जब होश संभाला तो अपने आप को एक अनाथ आश्रम में पाया। बचपन मेरा वहीं गुजरा, तो एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी करने लगा। धीरे धीरे सीखते सीखते उसी होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। जब लगा कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तो इस बीमारी ने फिर से आकर जमीन पर पटक। और अब क्या, ये कमरा ही मेरा राजमहल है और मैं यहाँ का राजा। आप अकेले रहते हैं क्या? नहीं नहीं, एक मेरा दोस्त है कमल, वो भी मेरे साथ रहता है। 5 साल पहले वो शहर में आया था और फिर हम इकट्ठे नौकरी करने लगे, दोस्त भी बन गए और अभी हम इकट्ठे रहते हैं इसी कमरे में। तो वो आपके साथ है क्या अभी? नहीं नहीं, वो काम पे गया है, शाम को आएगा। अच्छा, तो आप पूरा दिन बोर नहीं होते क्या? नहीं मैं बोर नहीं होता, क्योंकि एक साथी है मेरा। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन किसी मोहब्बत से कम भी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल एक किताब है जिसके आखिरी के 2 पन्ने गायब हैं। यकीन मानो ये किताब मैंने 2 महीने में 200 से ज्यादा बार पढ़ ली है, लेकिन आखिर में क्या है समझ नहीं आता। बस पूरा दिन अपने राजा रानी की तलाश में गुजार देता हूँ। क्या लगता है आप अपने राजा रानी को ढूंढ कर ही रहोगे? अरे कोशिश तो यही है। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later.
The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. हेलो हेलो पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा और जब कॉल किया नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल सिर्फ यहाँ से कॉल जा सकती है मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता अच्छा और बताओ और तो अच्छा ये बताओ आपने ना मेरा नाम पूछा ना ही मेरा पता क्या फर्क पड़ता है तुम मेरे लिए सिर्फ एक आवाज हो और मैं चाहता हूँ कि ये आवाज हमेशा मेरे साथ रहे मेरे कानों में गूंजती रहे कुछ भी हो सकती हो तुम मेरे लिए एक मिनट क्या हुआ कुछ नहीं वो तुम्हारा नाम सेव कर रहा था ना क्या किया आवाज अच्छा इतनी अच्छी लगी मेरी आवाज और अगर मैं कहूँ कि मैं उतनी ही बदसूरत हूँ तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं अरे वाह क्या बात है रजे रजे अरे किससे बात कर रहा है कुछ नहीं वो कंपनी का अच्छा चल मैं नहाता हूँ हेलो क्या हुआ फोन क्यों काटा कुछ नहीं वो कमल आ गया था तुमने बताया तो नहीं नहीं मैंने नहीं बताया लेकिन तुम मुझे किसी को कुछ बताने क्यों नहीं देती क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारे अलावा किसी और को पता चले मेरे बारे में इसलिए कभी किसी को बताना मत मेरे बारे में अच्छा बाबा नहीं बताऊं You are trying to call is currently not reachable. Please try again later.
हाँ भी रजे, क्या बात है? आजकल तो बड़ा खुश खुश रहने लगा है और खाना भी बड़े ढंग से खाता है। कोई छुपा रहा है मेरे से? नहीं 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 कुछ नहीं। कोई बात है बता दे बता दे। नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं, मर गई आके। गुस्से होगी मेरी जान। यार सुन, तुझे बताता हूँ लेकिन किसी को बताना मत। बोल। मुझे ना प्यार हो गया है। प्यार? वो भी तेरे को? क्यों, हो नहीं सकता क्या? दरअसल जब तुम होटल जाते थे ना तो पीछे मैं किताब पढ़ता रहता था। हाँ। तभी एक कॉल आई थी यार, तो मैंने उससे बातें करनी शुरू कर दी। तो बातों बातों में पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे को हो गए। तुम्हें पता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या बताऊं यार कमले, पता नहीं भगवान मेरे ऊपर बेरहम क्यों है। मुझे प्यार भी उस वक्त हुआ जब मेरे पास वक्त ही नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि ये बात किसी को मत बताना। मेरे को क्यों बता रहा है यार? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? क्या है डाल? लेकिन एक बात बता, तू कब से बात कर रहा है उससे? ये कोई 15-20 दिन। मैं समझ तो गया था कि मेरे दोस्त को बीमारी के साथ साथ एक और बीमारी लग गई है। फिर एक दिन You are trying to call is currently not reachable. Please try again later. यार गांव से फोन आया है, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे 4-5 दिन के लिए गांव जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाओ तुम। यार तो दवाई और खाना टाइम से खा लियो। यार मेरा फिक्र क्यों कर रहा है तू? तो जाके ना पापा जी का ख्याल रख, ठीक है? ठीक है भाई। ओके, ध्यान से जाना। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे फोन का इंतजार ही तो कर रहा था। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं कुछ दिनों के लिए घर वालों के साथ बाहर जा रही हूँ, शायद हफ्ते में वापस आ जाऊँ। क्या यार, कमला भी चला गया और अब तुम भी जा रही हो? अरे बाबा, 2 दिन की तो बात है। अरे तुम नहीं जानती ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे मेरे। ओहो, अच्छा चलो ठीक है, मैं जिस दिन वापस आऊंगी उस दिन आपको अपना नाम बताऊंगी और फिर आपसे मिलने भी आऊंगी। क्या, मुझसे मिलने आओगी? सच्ची? अच्छा सुनो यार, मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपको आके फोन करूंगी। अरे एक मिनट, बात तो सुनो यार। यार मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। मुझे ना बोलो। मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा बाय, लव यू। लव यू टू।
कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल, बस हाँ हाँ जरूर आऊँगा, पर अब थोड़ा टाइम मैं घर पे ही बिताऊँगा। हाँ मैं शर्मा जी को पकड़ा दूंगा चाबी, आंटी जी को नमस्ते बोलना बस मेरा। हाँ हाँ अंकल करता हूँ मैं आपको, एक मिनट अंकल करता। हाँ हाँ हो गया अंकल, अंकल ना अंकल, ओके ओके ओके। हेलो 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 जी, चांदनी चौक दिल्ली से बात कर रहे हो? कौन है भाई? एक मिनट रुको रुको जरा, हम गाड़ी चला रहे हैं भाई, आराम से। हाँ किससे? मैंने आवाज के बारे में बात करनी थी। अरे हाँ एक मिनट साइड पे गाड़ी लगाते हैं।
ये एक मिनट गाना बंद कर ले। हाँ जी हाँ, क्या पूछना था? जी हाँ, मैंने आवाज के बारे में बात करनी थी। हैं? आवाज? आवाज जो आवाज कपूर ने लिखी थी। अच्छा, वो आवाज कपूर। हाँ, याद आया। आवाज करके किताब थी। हाँ हाँ, पता है हमको। आप थोड़ा बता सकते हैं मेरे को उनके बारे में? किताब लिखी थी उन्होंने, पर उनको मरे तो 3 साल हो चुका है भाई साहब। 3 साल? लेकिन कैसे? 3 साल कैंसर था ना उनको। हाँ, 3 साल हो चुका है उनको मरे। बहुत अच्छी लड़की थी, कैंसर से मर गई बेचारी। पर अच्छे लोगों को भगवान हमेशा बुला लेते हैं। क्या काम था क्या भाई साहब कुछ? लेकिन आप कौन बोल रहे हो? अरे हम पब्लिशर हैं भाई साहब, वो राइटर थे, किताबें छापते हैं हम। पब्लिशर? हेलो, काट दिए, कमाल है।